बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमने बनाई है कस्टर्ड आइसक्रीम। ये बहुत ही ईजी होती है, तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया है। तो यहाँ पर लिए हैं 500 ml फुल फैट क्रीम दूध। यहाँ पर लिए 3/4 कप चीनी और 3.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर लिया है। मैंने यहाँ पर मैंगो फ्लेवर का लिया है, आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का ले सकते हैं, वनीला का ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेते हैं। तो दूध मैंने रात में फ्रिज में रख दिया था, गर्म नहीं किया था, तो ये वही दूध है और पूरा क्रीम के साथ ही लिया है। तो इसे हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो मैंने इधर गैस पे चढ़ा दिया है इसे, और इसे लगातार बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे तले में चिपके नहीं। दूध में एक उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। तब तक हम क्या करते हैं कि जो हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है उसे भी हम पानी के साथ घोल के तैयार करके रखते हैं। तो आप चाहें तो दूध के साथ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के करीब पानी डाल दे रही हूँ और उसमें से उसको घोल के तैयार करके रख लेती हूँ। ये काफ़ी इजी है, बहुत ही आसान रेसिपी से। तो बस दूध में उबाल आएगा तो सबसे पहले अब हम चीनी डालेंगे और कस्टर्ड को डाल के कस्टर्ड बना के तैयार कर लेना है। जैसे कि आप अक्सर बनाया करते हैं वैसे ही बनाना है। तो दूध में तकरीबन उबाल आने लगा है, अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं और इसे भी हम लगातार चलाएंगे ताकि चीनी अच्छे से इसमें घुल जाए। और थोड़ा सा देर इसको उबालेंगे चीनी घुलने के बाद भी। तो गैस की फ्लेम आप मीडियम रखें। तो बस चीनी घुल चुकी है, दूध अच्छे से उबल रहा है। 3-4 मिनट तक दूध को उबाल लिया है हमने अच्छे से। अब हमने इसमें जो कस्टर्ड पाउडर घोल के रखा है वो ऐड कर देना है। तो आप दूध को भी जल्दी जल्दी मिक्स करते रहें और कस्टर्ड जो घोल के रखा है वो डाल दें। इसको डालने से लम्स नहीं आए, बस इस बात का ख्याल रखें और लगातार चलाएं, गैस की फ्लेम स्लो कर लें। यदि आप इसे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं तो मीडियम फ्लेम पर भी कर सकते हैं आप इसे। तो मैंने गैस की फ्लेम मीडियम ही रखी है और इसे लगातार चलाएं। देखिए ये थिक होने लगा है। जैसे ही हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करते हैं तो ये थिक हो जाता है। तो इसे इसका कच्चापन दूर होने तक पकाना है। तकरीबन 3-4 मिनट तक आपने इसे अच्छे से कुक करना है। इसे लगातार चलाते रहें और साइड से भी जो साइड के किनारों पर लग जाता है उसे भी छुड़ा लें, इसमें लम्स नहीं आए, इस बात का ख़ास ध्यान रखें। तो ये काफ़ी थिक होने लगा है, थोड़ी सी देर और इसे उबालेंगे हम। थोड़ा पतला नज़र आ रहा है, थोड़ी देर और उबलेगा तो ये अच्छा थिक हो जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा गाढ़ा सा हो गया है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे कर लेते हैं ठंडा। तो मैं एक छलनी के ऊपर इसको रख दी और लगातार चला रही हूँ। आप इसे पंखे के सामने रख लें, पंखे के नीचे, और लगातार चलाएं तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम इसे रख देंगे फ्रिज में, या फिर आप जल्दी में हो तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं 1-1.5 घंटे के लिए। ये अच्छा से ठंडा होना चाहिए। फ्रिज में रखें तो 1-1.5 घंटा रखें, और फ्रीज़र में रखें तो 1/2 घंटे में ही ठंडा हो जाएगा। तो ये ठंडा हो गया है, तो मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ और इसे डाल देती हूँ फ्रिज में। फ्रिज में डालें या फ्रीज़र में डालें, एक ही बात है, आपको जल्दी हो तो फ्रीज़र में डाल दें। तो इसे कवर कर देते हैं और रख देते हैं। तो इधर मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है, ये नॉन डेरी क्रीम है। यहाँ पर हमने 1.5 कप ली है, तो इसे बीट कर लेते हैं। हमें काफ़ी टाइम हो गया उसे फ्रीज़र में डाले हुए, तो अब मैं इसे अच्छे से बीट कर लेती हूँ क्रीम को। थोड़ा सा एंगल सही कर रही हूँ मैं कैमरे का। और इसे बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम की तरह हमने बीट नहीं करना, हल्की सी ही करेंगे हम। तो ये देखिए ये तैयार हो चुकी है, बस डबल हो चुकी है साइज़ में लगभग। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर जो हमने बना के कस्टर्ड तैयार किया था वो डाल देंगे। ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसको पूरा मिक्स कर देते हैं।
बच्चे बड़े उसको सभी को पसंद आने वाली, फटाफट से बन जाने वाली ये हमारी आइसक्रीम फटाफट तैयार हो जाएगी। और ये देखिए अब ये पूरा जो भगोना हमने लिया है फुल भर के तैयार हो चुकी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा कलर ऐड कर दे रही हूँ ताकि अच्छा खूबसूरत कलर आ जाए, क्योंकि हमने इसमें मैंगो फ्लेवर वाला बनाया है तो उसी का कलर लाने के लिए मैंने इसमें जो फूड कलर होता है उसका यूज़ किया है। यदि आपको पसंद ना हो तो स्किप कर दें। और बस इसे 5-7 मिनट तक हमने अच्छे से चला लिया है। तो ये देखिए क्रीम बहुत जल्दी फूल जाती है, तो बहुत ही मज़े की ये तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे कवर करके फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि इसे हमने वापस से निकाल के एक बार फिर से इसे बीट करना है। तो इसे रख देते हैं हम फ्रीज़र में। तो मैंने चेंज नहीं किया, उसी भगोने को रख दूँगी मैं। तो ये देखिए तकरीबन 2-3 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद हमने निकाला। हल्की सी जमी है ये, पूरी तरीके से नहीं जमी है, आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी रखें। ये देखिए ये साइडों से अच्छे से जमने लगी थी। तो अब हम इसमें वापस से इसे उसी जैसे हमने अभी मिक्स किया था उसी तरह इसे चलाएंगे। जो हैंड मिक्सर है हमारा, 2-3 मिनट तक इसी तरह हम इसमें चला लेंगे तो ये अच्छा सा क्रीमी हो जाएगा। इसमें जो आइस क्रिस्टल आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। तो ये देखिए काफ़ी स्मूथ हो चुकी है ये। और हमने टेस्ट करके देखी थी, इसमें मीठा भी बराबर है और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ रहा है इसमें मैंगो का। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे बाउल में, क्योंकि अब हमने इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ना है। कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए आप ज़रूर छोड़ें। यदि आप ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो समय ज़्यादा भी लग सकता है। तो मैं दूसरे वाले किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे डाल दें। तो बहुत ही क्रीमी बनी है, तो मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो पहले क्लीन रैप वही वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद इसे इसका जो लीड है उससे कवर करके इसे फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन। मैं ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ, आप चाहें तो 8 से 10 घंटे में ये सेट हो जाएगी। तो कवर करके रख देते हैं अच्छे से और मिलते हैं फिर जब ये सेट हो जाती है तो सुबह में इंशाल्लाह। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुकी है। तो अब हमने इधर ये आइस क्रीम स्कूपर जो होता है निकालने वाला उसे नॉर्मल पानी में डिप कर दिया है ताकि ये आसानी से छूट जाए। और इधर 2 प्याली ले ली है। तो ये देखिए कितना मज़े का निकल रही है ये देखिए। तो मैंने इसमें किसी भी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मैं गार्निशिंग में ही यूज़ करूँगी। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है और ये बहुत ही मज़े की लगती है, इसका टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आया है। तो आप भी बनाएं, ज़रूर बनाएं, इसी तरीके से बनाएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। तो इन्जॉय कीजिए।